ये फ्रेम बेस्ट है। गाइस ये देखो कितना मस्त है। सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ऐसी गाड़ियां देखने में यहाँ पे और ऐसे सब्सक्राइबर से मिलने में भी। और मेरे पीछे का व्यू देखो भाई कितना मस्त लग रहा है। तो आज हम फर्स्ट टाइम मिले हैं ध्रुव राठी भाई से। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस लास्ट ब्लॉग में आप देखा होगा हम आए हुए हैं दुबई एक इवेंट के लिए जिसका नाम है 1 बिलियन फॉलोअर सबमिट, जहां पर मतलब पूरे वर्ल्ड से क्रिएटर आते हैं। तो हमको भी वहां पे बुलाया था तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल हम उठ गए हैं, रेस्ट किया थोड़ी देर हमने यहाँ पे आके। सामने दिख रहा है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, अभी हम थर्ड फ्लोर पे हैं। तो भी गाइस मैं तो रेडी हो गया हूँ नहा के, लेकिन ये देखो साहिल फिर से सो गया। गाइस सोने देते हैं, उठाते नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, साहिल को नहीं उठाता अभी, साहिल को नींद आ रही है उसको सोने देते हैं, बाद में कर लेगा ब्रेकफास्ट। तो चलते हैं, मैं जा रहा हूँ उज्ज्वल भाई के साथ में। तो अभी उज्ज्वल भाई मिल गए और हम आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वो देखो सामने मतलब अनरियल लगता है, एकदम फ्यूचरिस्टिक था। रात में जब उसमें लाइट जलती है ना, हाँ मैंने रात में देखा मैंने कभी, आज देखेंगे रात में कैसा लगता है ये। और फिलहाल हम बैठे हैं यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए, होटल का ही ब्रेकफास्ट वाला एरिया है और यहाँ से देखो व्यू दिख रहा है पूरा। सैलेड और फ्रूट से स्टार्ट करते हैं, कटे हुए नहीं है यार यहाँ पे, लेकिन दो केले तोड़ के लाया भाई। बस खाने की प्रॉब्लम है यहाँ पे, सारा नॉनवेज है। गाइस यहाँ पे लिखा हुआ पराठा और ये देखो। तो गाइस ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट जिसमें फ्रूट सैलेड, भाई ब्रेकफास्ट करते हुए ये व्यू क्या मस्त लग रहा है ना। तो भी गाइस हमको यहाँ पे भैया मिले हैं, गैस कह सकते हो इनका नाम क्या है, इनका नाम भी सौरभ जोशी है। और गैस कह सकते हो कहाँ से आए ये भी हल्द्वानी से है भाई, सेम प्लेस। तो मतलब एकदम कोइंसिडेंस हुआ, इतना अच्छा लगा। मतलब हल्द्वानी अल्मोड़ा से ही हूँ। अच्छा, मैं भी अल्मोड़ा से हूँ और नाम भी सौरभ जोशी। नाम भी गांव भी जगह भी सब सेम। यार ऐसे कैसे सकता है दुबई में आके कोई सेम नाम का बंदा सेम जगह से। तो अब चाय बनाते हैं, इतने से दूध डालना है इसमें। देखो ये बन गई चाय, अरे ये तो बहुत ही वाइट हो गई, मिक्स करनी पड़ेगी। तो गाइज अब हमको जाना है सामने वाली बिल्डिंग पे, हमारा इवेंट वहाँ पे है, बट हम जा नहीं सकते रोड क्रॉस करके बिकॉज अलाउड नहीं होता ना। बट हम पैदल जाना चाहें ना, एक मिनट में पहुँच जाएंगे देखो यहाँ से सामने वाली बिल्डिंग में, एक मिनट में। बट गाड़ी से हमको लग रहे हैं 5 किलोमीटर, वहाँ जाने के लिए 5 किलोमीटर, पता नहीं यहाँ से घुमा फिर आके पता नहीं कहाँ से घूम के हम जाएंगे वहाँ 5 किलोमीटर। भाई अगर इंडिया होता तो कैसे भी क्रॉस कर लेते हाथ दे के गाड़ियों में, हाँ इंडिया होता तो क्रॉस कर लेते, बट यहाँ पे अलाउड नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे इवेंट है, ये लिखा हुआ है ना 1 बिलियन फॉलोवर सबमिट, तो इसको डाल लेता हूँ मैं। अब सही लग रहा है ना, देखो अब जा रहे हैं कार से, पैदल तो जा नहीं सकते। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठूंगा इस कार में, देखते कैसी है भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल है। गाइस हमको 20-25 मिनट हो गए अभी तक नहीं पहुंचे हम। ये रहा सामने म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। गाइस साहिल को अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि साहिल को भी ये चाहिए अंदर जाने के लिए, तो बात करते हैं। तो गाइस अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, साहिल को छोड़ के जा नहीं सकता मैं, जा रहा हूं वापस इंडिया होटल जा रहा। अच्छा होटल, तेरे को अंदर लेके जाएंगे, टेंशन मत ले तू। तो अभी हमने इनको बोला है कि साहिल को भी अंदर लेके जाओ, तभी मैं अंदर जाऊंगा भाई। तो मैं तब तक तो यहीं वेट कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा साहिल को छोड़ के। ये देखो भाई कौन आया है, भाई आए हैं फर्स्ट टाइम। हेलो गाइस, मिलने से पहले व्लॉग चालू है, मेरा चालू रहता है। मैं देखो क्या पहन रखा है गाइस, ये फ्रेम बेस्ट है। अरे भाई ये चीज एकदम बढ़िया। तो गाइस फाइनली देखो साहिल को भी मिल गया है, साहिल जोशी। चलो अब जा सकता है साहिल भी। ये देखो हमारे साथ में सर भी है। ये जो है यहाँ के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और ये जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हैं भाई सारी इनको अक्सर आपने ट्रेंडिंग में देखा होगा, तो कमेंट कर बताना कहाँ देखा है। तो आप सभी लोग जानते हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। कल से मिला है, कल से बहुत मस्ती कर रहा है। फाइनली अब जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे देखो भाई कैसे हो गाइस। अभी हम जा रहे हैं इवेंट को गाइस, बहुत मजेदार इवेंट है गाइस, यहाँ पे हमारा मीटर ग्रेट है। मुझे तो नहीं लगता कोई आने वाला मिलने, लेकिन ठीक है गाइस। भाई कितने सारे क्रिएटर्स हैं यहाँ पे पूरे वर्ल्ड से। तो गाइस ये है मेन इवेंट एरिया जहाँ पे पूरा इवेंट हो रहा है, जहाँ पे सारी बातें हो रही हैं सबके बीच में। तो भी गाइस हम बाहर आ गए हैं और काफी मजा आ रहा है इवेंट में, मतलब काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफी चीजें बता रहे हैं वो क्रिएटर्स के बारे में, सारे क्रिएटर्स वहाँ बैठे हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर। यहाँ बीच में पानी क्यों है, इसके अंदर लाइटिंग जल रही है गाइस। देखो गाइस ये देखो कितना मस्त है, ये कैसे चल रही है, रिमोट से चल रही है। अरे मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ कौन है। अच्छा हाँ कैसे चल रही है बताओ। इसके अंदर हीलियम गैस। अच्छा हाँ हीलियम गैस ने वजन उठा रखा है और साथ में दो पिंस लगे हुए हैं, वो बैटरी से चल रहे हैं, एक बंदा रिमोट से चला रहा है उसको। तो गाइस अब हम जा रहे हैं लंच करने के लिए बिकॉज बहुत भूख लग रही है। वहाँ पे वैसे खाना था बट वो खाना ना इंडियन नहीं था, तो उनको इंडियन खाना था। सुबह भी नहीं खाया अच्छे से, वैसे सुबह भी फ्रूट वूट खाए थे तो बहुत भूख लग रही थी। गाइस आज देख लो सारे एंगल से कैसा दिखता है,
गाइस फाइनली मिल गया हमको इंडियन। तो गाइस हमारे दाल चावल आ गए मस्त मस्त, खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं वापस वहीं पे। भाई यहाँ पे ऑरेंज जूस निकलता है, आप भाई आप मत बोलो, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा ना निकलेगा, पैसे 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 दो भाई, तुम दो, यहाँ पे ऑरेंज है तो खुद ही निकल जाएगा, पैसे खा जा, ये पैसे खाती है कितने मांग रही है, दस दस मांग रही है, ठीक है दस का रुपए नहीं दिरम दिरम, 24 का एक है, 240 रुपए का एक ग्लास जूस है, अरे इससे भी छोटी भी ग्लास में, ये देखो कम है जूस तो, कम है ना, सॉल्ट भी है, सबसे ज्यादा मजा आ रहा है ऐसी गाड़ियाँ देखने में यहाँ पे, और ऐसे सब्सक्राइबर से मिलने में भी। हाय कहाँ से हो आप? इंडिया। हाय भाई क्या मस्त लग रही है, देखो इसको देख के मेरे को पोर्ट्स की याद आ रही है। अब हम जा रहे हैं अपने होटल, वो रहा हमारा होटल, चलते हैं, अब पैदल ही जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, लैम्बोर्गिनी। सिर्फ एक मिनट लगेगा अगर हम रोड क्रॉस करके जाएंगे तो हम पैदल ही जाएंगे, बिकॉज रोड क्रॉस करनी है, और वो रहा सामने होटल। चलो भाई पहुंच भी गए, सिर्फ दो मिनट में पहुंच गए। तो भी गाइस हम आए हैं होटल के 6th फ्लोर पे, और मेरे पीछे का व्यू देखो भाई कितना मस्त लग रहा है, अंधेरा हो चुका है, हम तो देर सो गए थे। म्यूजियम देखो कितना मस्त लग रहा है, और नीचे गाड़ियां ही गाड़ियां, वो बुर्ज के सामने थोड़ा सा जगह है, क्योंकि सर प्लेस प्लेस दिखेगा, बट बीच में ये है ना, ये सबसे यूनिक लग रहा है यार, है ना भाई, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है सामने देखने में ना, जैसे मैंने तो बिल्डिंग जो पीछे है ना म्यूजियम वाली, वो तो अलग ही लग रही है एकदम गोल गोल ऐसी। तो अब हमको जाना है डिनर के लिए एक बहुत मस्त जगह पे यहाँ पे, तो गाड़ी नीचे वेट करे हमारा, चलते हैं डिनर के लिए। और इसके सामने ये वाला एरिया देखो हमारे होटल का, पूल वाला एरिया, तो अभी ठंड हो रही है तो अभी तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन क्या मस्त है देखो, पूल में नहाते नहाते क्या व्यू दिखेगा, और 6th फ्लोर से नीचे का ऐसा दिख रहा है, देखो हम टॉप फ्लोर पे हैं। तो भी गाइस होटल से निकल गए, और ये देखो हम जा रहे हैं इस बस में, हमारे एक फ्रेंड मिले हैं जो कि स्कॉटलैंड से हैं। हेलो नमस्ते नमस्ते, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, थैंक यू। इन उत्तराखंड यू गाइस स्पीक मोस्टली हिंदी? यस वी स्पीक पहाड़ी पहाड़ी लैंग्वेज, ओके पहाड़ी, हाउ कुमाऊनी लैंग्वेज, एंड यू गाइस ग्रू अप स्पीकिंग you'll be with your family pahadi, yeah pahadi hindi, yeah so how would you say I like your bus in pahadi? In pahadi your bus bahut hai bhalchu, bahut hai bhalchu, bahut hai your bus bahut hai bhalchu, your bus bahut hai bhalchu, bahut hai bhalchu, bahut hai bhalchu, bahut hai bhalchu, nice bahut hai bhalchu। Guys मजा आ रहा है इनसे बात करने में, let's go। तो गाइस पहुंच गए हैं, हमको जाना है इसके अंदर, यहाँ पे हमारा डिनर, ये बिल्डिंग है, वाओ क्या मस्त लग रहा है देखो गाइस। गाइस साहिल और मैं आए यहाँ पे, बाकी सब कोई नहीं आया, क्योंकि भाई हमको देखना था, हम तो पहली बार आया ना, अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं जान दे सकते हम, फिर कभी फ्यूचर में मौका मिले ना मिले। हम आ तो गए ऊपर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या मंगाए, क्या मंगाए भाई खाने में, तो क्या मिल रहा है, रिब आए, आंख मिलेगी खाने के लिए, आंख आंख मिलेगी खाने के लिए, वेज नहीं है कुछ भी। तो आज हम फर्स्ट टाइम मिले हैं ध्रुव राठी भाई से, सबसे मेन तो ये टी शर्ट तो वही रखनी है, वही मेंटेन रखनी है, लाइफ टाइम यही रखोगे लाइफ टाइम? जब काफी 5-10 साल हो जाएंगे तो नहीं खरीद लूंगा। हमारा पहला खाना आ गया है, पत्थर पे आया लिटरली, देखो पत्थर है ये, टाइल है ये, टाइल के ऊपर खाना। अब हम जा रहे हैं खाने के लिए कहीं और, बिकॉज यहाँ तो समझ में नहीं आया भाई, जितना खाया जाता था हमने खा लिया है। तो भी गाइस हम टावर से बाहर आ गए, और अभी हम थे उसके ऊपर, देखो वहाँ पे थे अभी हम, वहाँ पे डिनर कर रहे थे हम, मस्त गाने चल रहे हैं, मस्त फुहारे चल रहे हैं। गाइस बहुत मस्त जगह पे हम खाने के लिए आए हैं, यहाँ पे देखो हमको मोमोज मिल गए, मैम लेके आए हमको यहाँ पे, और देखो यहाँ पे इंडियन थाली भी मिल गई हमको, नेपाली थाली अरे नेपाली थाली, इसमें देखो सब्जी राइस दाल सब कुछ है, चटनी भी है, सब कुछ है, तो मस्त खाएंगे। थैंक यू। तुम मुझे दीदी बोल रहा है, ऐसे मैम मत बोलो, दीदी बोलूं? हाँ। दीदी ओके, मस्त डिनर हो चुका है, अब चलते हैं सीधे होटल। थैंक यू, बाय बाय। तो भी आ गए अपने होटल रूम पे, अब फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, भाई आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बिकॉज कभी कहाँ जा रहे थे कभी कहाँ जा रहे थे, लेकिन बहुत मजा आया, इवेंट में भी गए, मस्ती भी की, मस्त खाना भी खाया। फाइनली एडिटिंग कम्प्लीट हो गई है, रात के बज चुके हैं 12, अब मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे आ रही है नींद, तो मैं सोता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना,
एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग। 250 रुपए के जूस में बीज आ रखे हैं। बीज भी आ रखे हैं यार। दिस इज नेचुरल सर। छाना भी नहीं उन्होंने। नो नो दिस इज नेचुरल। घर पे निकाल लेती है मम्मी। अच्छा what you doing is making me feel